अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर जो है, मैं बिल्कुल ही इजी और सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ, मूली के पराठे, जिसको मैं बिल्कुल ही इजी तरीके से बनाऊँगी। हमें जो है आटा भी नहीं गूंदना पड़ेगा और बेलना भी नहीं पड़ेगा, जो आजकल हमारे न्यू कमर्स हैं, बिगनर्स हैं कुकिंग में, उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो हैं वो आ जाएँ जल्दी से, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती, उन्हें थोड़ी सी अलकस होती है बनाने में, तो वो ये देखें और फिर इस तरीके से बनाएं और मुझे दुआएं दें। तो चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने मूली को ले लिया है, क्रश कर लिया अच्छी तरह से, बारीक इस तरह से बारीक कर लेना है, और इसका जो पानी है वो निचोड़ लिए। तो उसके बाद इसमें डालेंगे मूलियाँ, ये सारे मसाले हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्चें, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और कलवंजी डालिए। इसमें थोड़ी सी हल्दी है, कलवंजी भी, उससे भी टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मेथी, ये देखें सूखी हुई मेथी डालनी है। इसको हम इस तरह से बूर कर डाल देंगे। धनिया डालेंगे, तो इसमें मैं डाल देती हूँ मल्टी आटा, तकरीबन इतना ही डालेंगे, ये 2 चम्मच या 2.5 चम्मच होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा बैटर तैयार हो गया, इसको इतना थिक ही रखेंगे तो ये जो है हमारा लो कार्ब्स पराठा बनेगा। तो चलते हैं इसको अब बनाते हैं। पैन को मैंने ऑयल लगा लिया है और अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। ये शेप जो है बहुत अच्छी बन गई है माशाल्लाह से। चले अब इसको पका लेते हैं, इसे जल्दबाजी नहीं करनी, हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी रोटी पक्के जो है वो तैयार हो गई है, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। फी मनिल्लाह।